यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार किया। सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने में पूरा जोर लगा दिया। जहां अखिलेश ने कानपुर में अपना विजय रथ दौड़ाया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ सपा के गढ़ मैनपुरी में गरजते नजर आए। जालौन में अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा के मामले में यूपी का हाल बेहाल है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित देश में महिलाएं कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाएं और बेटियों बहनों के ऊपर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। देश में जो शिकायतें हो रही हैं उसमें 50% शिकायतें महिलाओं की केवल उत्तर प्रदेश से है। ये बताएं आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा को तो निशाने पर लिया ही, साथ ही बसपा और कांग्रेस पर भी जमकर भड़के। कहा कि 2017 से पहले दंगे होते थे, दंगों के बाद कर्फ्यू लगता था। सपा और बसपा की सरकारों ने प्रदेश को गर्त में ला दिया था, प्रदेश की दुर्गति कर दी थी। युवाओं के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा हो गया था। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 2014 के पहले पूरे भारत की क्या दुर्गति कर दी थी कांग्रेस के नेताओं ने, सपा बसपा ने मिल करके। भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश देश को नेतृत्व देता था, जो उत्तर प्रदेश पूरे देश के लोगों के लिए हृदय स्थल था, पिछली सपा बसपा सपा की सरकारों ने उस उत्तर प्रदेश की वह दुर्गति कर दी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। 2017 के पहले यही चलता था, अराजकता चरम पर थी, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, दंगा के बाद कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू। बता दें कि यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। 2017 के चुनाव में 59 सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 9 सीटें ही मिल पाई थी। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। कानपुर झांसी के आसपास के 59 जिलों में 2,16,00,000 मतदाता 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। यूपी चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट खबरों और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।